स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CBSE बोर्ड के कक्षा 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में आपको देने की कोशिश की है। इस चैप्टर में आने वाले 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। हालांकि लिखने के लिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। आप अगर हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ये वीडियो। छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में मैंने इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको ऐसी वीडियो और भी दूं। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज फ्रेडरिक सुरयू, एंड द आंसर इज ए फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। अर्थात फ्रेडरिक सुरयू कौन था? तो फ्रेडरिक सुरयू एक फ्रांस का आर्टिस्ट था जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज नेशन स्टेट मीन, एंड द आंसर इज वेयर द ग्रेट मेजोरिटी आर कॉन्शियस ऑफ ए कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द सेम कल्चर। इसका अर्थ है कि राष्ट्र राज्य क्या थे, राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। और इसका आंसर है जहाँ अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी, वही थे राष्ट्र राज्य। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लैग द पीपल ऑफ जर्मनी वेयर बियरिंग, एंड द आंसर इज ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। इन द सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सुरयू द पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस वेयर मार्चिंग जस्ट बिफोर द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एंड इन दिस सीरीज द पीपल ऑफ जर्मनी वे आर बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग्स। हिंदी में समझें इसको। हिंदी में इसका अर्थ है कि किस तरह के झंडे को जर्मनी के लोगों ने हाथ में लिया हुआ था। तो जो उनका झंडा था उसका रंग था काला, लाल और सुनहरा। फ्रेडरिक सुरयू ने जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, उस श्रृंखला में विभिन्न राष्ट्र के लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते हैं और उस क्रम में वो अपने देश का झंडा हाथ में लिए हुए हैं। जर्मनी के लोग जो झंडा हाथ में लिए हैं उसका रंग है काला, लाल और सुनहरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लेबिसाइट, एंड द आंसर इज ए डायरेक्ट वोट इन विच द एंटायर इलेक्टोरेट इज इनवाइटेड टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज ए प्रपोजल। इट इज अ टाइप ऑफ वोटिंग और ऑफ प्रपोजिंग लॉज। इसकी हिंदी समझें। इसकी हिंदी है जनमत संग्रह क्या है। तो इसका अर्थ है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, यानी कि एक ऐसी वोटिंग है जिसमें उस एरिया के सभी लोगों से किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने के लिए, रिफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस, एंड द आंसर इज 1789। In 1789, the French Revolution took place। इसकी हिंदी है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन मीन, एंड द आंसर इज द फादरलैंड एंड द सिटीजन रेस्पेक्टिवली। द वर्ड ला पैट्री डिनोट्स द फादरलैंड एंड द वर्ड ली सिटोयन डिनोट्स द सिटीजन। हिंदी में अगर बात करें हिंदी में इसकी, तो प्रश्न कहता है कि जो विचार थे ला पैट्री और ली सिटोयन की, इसका मतलब क्या होता है। तो ला पैट्री का मतलब होता है पितृभूमि और ली सिटोयन का मतलब होता है नागरिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द फ्रेंच आर्मी, एंड द आंसर इज द एरियाज विच वेयर ऑक्यूपाइड बाय द फ्रेंच आर्मी वेयर हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड। Some parts of Italy were also occupied by the French army। प्रश्न है कि वह कौन कौन से क्षेत्र थे जिस पर फ्रांसीसी सेना ने कब्जा किया। तो वह थे हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, और कुछ इलाके इटली के भी थे जिस पर फ्रांसीसी सेना ने कब्जा किया था जब वहाँ क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत होने लगी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वेर द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब, एंड द आंसर इज प्रिंस एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। The people belonging to educated middle class and students, they all joined Jacobin club and became the members of Jacobin club। प्रश्न है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य
कौन कौन लोग थे तो ध्यान देंगे, इसमें मुख्य रूप से विद्यार्थी थे और पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग थे जो जैकोबिन क्लब के मेंबर बने थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मीन एंड द आंसर इज यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। इसकी हिंदी है कि केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ है एक समान लॉ, एक समान कानून का होना क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन या केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था, जिसमें सभी नागरिकों के लिए जो क्षेत्र में रहने वाले हैं उनके लिए एक समान लॉ का होना, यही है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फ्लैग वाज चोजन टू यूनिफाई अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इन फ्रांस एंड द आंसर इज द ट्रिकलर टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। इन फ्रांस सेवरल स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी among the people and in this series the people of France chose a different flag in place of royal standard and the flag which was chosen was tricolor or tricolor। प्रश्न है कि फ्रांस में सामूहिक पहचान या साझा पहचान को प्रमोट करने के लिए कौन से झंडे को चुना गया था। तो इसका उत्तर है तिरंगा झंडा, जो शाही झंडा था फ्रांस का, उस झंडे को हटा करके तिरंगा झंडा वहां चुना गया था। फ्रांस के लोग अपने यहाँ एक साझा पहचान को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे थे और उसी क्रम में उन लोगों ने जो शाही झंडा था उसको रिप्लेस किया, उसको हटा दिया और उसके बदले तिरंगा झंडा इस्तेमाल करना शुरू किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द नेपोलियनिक कोड यूजुअली नोन एज एंड द आंसर इज द सिविल कोड ऑफ 1804। The civil code which was introduced by Napoleon established equality before law and secured the right to property। प्रश्न है कि जो नेपोलियनिक कोड था उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर है, यहाँ लिखा है द सिविल कोड ऑफ 1804 यानी कि 1804 की नागरिक संहिता के नाम से हम जानते हैं नेपोलियनिक कोड को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन but it contains several questions in itself and the question is list any three features of Napoleonic code and the answer is it did away all the privileges based on birth। The next one is established equality before law and secured the right to property and third one is simplified administrative divisions and abolished feudal system। Prashna hai ki Napoleonic code ke teen pramukh विशेषताओं को बताएं या दर्शाएं या लिखें। तो इसका उत्तर है इसने जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। दूसरा है कि कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार दिया गया और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा की गई। और तीसरा है कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया तथा सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इसमें आप और भी चाहें जोड़ सकते हैं, किसानों को भूदासत्व से यानी सरफडम से, जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया गया, ये सब और विशेषताएं थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री रीजंस व्हाई द पीपल इन द कंकर्ड टेरिटरीज बिकेम होस्टाइल टू द नेपोलियंस रूल एंड आंसर इज इंक्रीज्ड टैक्सेशन, नंबर बी इम्पोजिशन ऑफ सेंसरशिप एंड नंबर थर्ड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट टू द फ्रेंच आर्मी। समटाइम्स इट इज आस्क्ड that why was the Napoleonic rule over other regions unpopular with some sections of Europe and the answer will be the same as written below। According to number A, the newly acquired territories had to face increased taxation and censorship। A and B both can be explained in this manner and the third one is forced recruitment into the French army। The forced recruitment into French army to conquer other parts of Europe was not popular with the newly conquered people and they became hostile to the Napoleon's rule। प्रश्न है हिंदी में, वह तीन प्रमुख कारण कौन कौन से थे जिसके कारण नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों में लोग नेपोलियन के शासन के प्रति विरुद्ध हो गए। और इसका उत्तर है कि टैक्स का बढ़ाना, सेंसरशिप यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेना और फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती लोगों को भर्ती करना, ये तीन ऐसे कारण थे जिसकी वजह से नेपोलियन के शासन के प्रति लोग
विरोध करना शुरू कर दिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बैटल नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1813 एंड द आंसर इज द बैटल ऑफ लिप्ज़िग इन 1813। प्रश्न है कि नेपोलियन को 1813 में किस युद्ध में हराया गया था, तो इसका उत्तर है कि 1813 के लाइप्ज़िग की लड़ाई में नेपोलियन को हराया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल एंड द आंसर इज द ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ कहाँ शासन करता था, हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन कहाँ कहाँ था, तो मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया और हंगरी के क्षेत्रों में हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन फैला हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इन यूरोप एंड द आंसर इज ए न्यू मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स एंड एजुकेटेड लिबरल क्लासेस। प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के दौरान किन किन नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, तो इसका उत्तर है कि इस नए सामाजिक मध्यम वर्ग में उद्योगपति व्यवसायी प्रोफेशनल्स और पढ़े लिखे लिबरल क्लास के लोग थे, उदारवादी लोग थे। इसका उत्तर है कि एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिस मध्यम वर्ग में उद्योगपति व्यवसायी प्रोफेशनल्स और पढ़े लिखे उदारवादी लोग थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर न्यू मिडिल क्लासेस एंड द आंसर इज फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। हिंदी इसकी है कि मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का क्या अर्थ होता है, तो ध्यान देंगे मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है व्हाट वॉज द पोलिटिकल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन पोलिटिकल स्फेयर, व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म एंड द आंसर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट एंड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। इट मीन्स इन पोलिटिकल स्फेयर लिबरल्स बिलीव्ड दैट द गवर्नमेंट शुड बी मेड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड देर शुड बी ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। हिंदी समझे इसकी राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या अर्थ होता है, तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का अर्थ होता है एक ऐसी विचारधारा जिसमें सरकार सहमति से बने और सरकार संसदीय प्रणाली के माध्यम से प्रतिनिधियात्मक सरकार बने जिसमें प्रतिनिधि जो है वही सरकार बना सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड लिबरलिज्म स्टैंड इन द इकोनॉमिक स्फेयर एंड द आंसर इज फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इन इकोनॉमिक स्फेयर लिबरल्स बिलीव्ड दैट द मार्केट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड दे वांटेड द स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन शुड बी एबोलिश्ड एंड दे वांटेड ए रेस्ट्रिक्शन फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। हिंदी समझने इसकी कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या अर्थ था, उदारवादी क्या चाहते थे आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी चाहते थे कि जो बाजार है वह स्वतंत्र हो और जो बाजार में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर उनके गति पर जो राज्य का प्रतिबंध है वह प्रतिबंध हट जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कस्टम ड्यूटीज वेयर देयर बिटवीन हैम्बर्ग टू न्यूरेम्बर्ग इन 1833 एंड द आंसर इज 11 कस्टम्स बैरियर्स 5% एट ईच बैरियर। प्रश्न कहता है कि 1833 ईस्वी में हैम्बर्ग से न्यूरेम्बर्ग तक कितनी कस्टम ड्यूटीज लगती थी। उत्तर है कि हैम्बर्ग से न्यूरेम्बर्ग तक 1833 ईस्वी में 11 कस्टम बैरियर्स थे और हर बैरियर पर 5% देना पड़ता था। यह 11 सीमा शुल्क नाके थे जहां से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द यूनिट ऑफ मेजरिंग क्लॉथ और टेक्सटाइल एंड द आंसर इज एली। कपड़ा नापने का जो यूनिट था, इकाई थी, वह क्या थी, तो इसका उत्तर है एली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सफरेज मीन एंड आंसर इज द राइट टू वोट। इसके नहीं समझ लीजिए व्हाट डज सफरेज मीन का मतलब होता है मताधिकार का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मत देने का अधिकार, द राइट टू वोट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज जॉलवेरियन इट वाज ए कस्टम यूनियन। प्रश्न है कि जॉलवेरियन क्या था, तो जॉलवेरियन एक शुल्क संघ था। हु फॉर्म्ड जॉलवेरियन आंसर इज बाय प्रसिया एंड ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स।
जोलवेरिन वॉज फॉर्म्ड बाई प्रसिया, इनिशिएटेड बाई प्रसिया एंड इट वॉज ज्वाइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। हिंदी में समझे इसको कि जोलवेरिन को किसने बनाया, तो जोलवेरिन बनाने के लिए प्रसा के पहल पर इस जोलवेरिन की स्थापना की गई जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हुए थे।